तो मीशो की अभी ना हमने एक ट्रिक पकड़ी है, लगभग हर एक प्रोडक्ट के साथ ना आपको ऐसे कूपन्स मिल जाएंगे तो यहाँ पर तो ना HP ना NP, यहाँ पर अलग ही पैकेजिंग मिल रही है इसकी। ये भाई तुमने वो भेज दिए मेरे को। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने काफी सस्ती साइट से इतना सारा सामान मंगाया, यकीन मानो ये सारा सामान सिर्फ 4000 रुपए में मंगाया। वैसे ही ये मंगाया हमने मीशो से, और मीशो जानी जाती है वोकल फॉर लोकल के लिए, जिस पर कुछ ज्यादा लोकल सामान मिलता है चाइना से इम्पोर्टेड, और इसी तरीके से लोग भाई फिर से तेजी से वापिस भी कर देते हैं। इतना तो मीशो नहीं कमा रहा जितना इनके डिलीवरी बॉय कमा रहे हैं। पैसा ही पैसा होगा। तो शुरू करते हैं प्रोडक्ट नंबर 1। और ये कौन सा प्रोडक्ट है भाई, इसकी तो सारी डिटेल्स ही मिट चुकी हैं। वैसे 385 रुपीज का है, अनबॉक्स करके देख लेते डायरेक्ट। हिंदी में लिखा है भैया नोट फुल चार्ज द वॉच, स्मार्ट ब्रेसलेट, स्मार्ट वॉच भी नहीं स्मार्ट ब्रेसलेट। हिंदी में कुछ लिख के दिया है इन्होंने यहाँ पर, यू कैन विन अप टू 500 रुपीज। भाई 380 रुपए की तो वॉच है, 25 दिन में पैसा डबल। वॉच के स्क्रीन गार्ड पे स्क्रैच लगे हैं, लग रहा है पक्का 5-6 बार रिटर्न होगा। ये स्क्रीन गार्ड हटा के साइड फेंकते हैं। एंड यहाँ पर क्वालिटी देखो भाई, अभी तो मतलब ऊपर की वही देख रहे हैं हम, प्रोटेक्शन उस पे इतने सारे स्क्रैचेस हैं। ऑन कहाँ से होगी ये, बटन ही अपने आप ऑन हो गई, बटन ही नहीं है इसमें तो। नीचे की तरफ एक्चुअली यहाँ पर ना ये टच बटन दिया है इन्होंने। ओहो, और पूरा कंट्रोल इससे ही कर सकते हो आप वॉच को। म्यूजिक भी, ओहो भाई यहाँ पर कितनी घटिया क्वालिटी है इसकी डिस्प्ले की। बाकी यहाँ पर बैंड दिए हैं, और चार्जिंग के लिए कमाल की चीज दिखाऊं, इसके साथ कोई चार्जर नहीं दिया, क्योंकि आप इसे नॉर्मली USB चार्जर में लगा के चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पर देखो दिया गया है बैंड में ही, तो ये बहुत दिक्कत वाली चीज है। बाकी इसके बैंड लगाकर पहन के देखते हैं क्या ये हार्ट रेट सेम मेजर करेगी जैसे कि हमारी एप्पल वॉच करेगी। नहीं, इम्तिहान की घड़ी आ चुकी है दोस्तों। अब मन मर्जी है, कभी चलती है कभी नहीं चलती, पर ये चलेगा कैसे, मे बी लॉन्ग प्रेस कर करना पड़े। यस चल गया, आपको पता नहीं डिस्प्ले में कुछ दिख रहा है नहीं दिख रहा है, एप्पल ने दिखा दी भाई 79 BPM चल रहा है हमारा, इसमें अभी तक रीडिंग चले जा रही है, आज के टाइम में निकाल देगी। 79। मेरे को लग रहा है वॉच ना पहले से फीड करके ही 75 दिखाने, क्योंकि बड़ी नहीं रहा, थोड़ा सा दौड़ भाग करके आता हूँ, उसके बाद देखते हैं कैसे दिखाता है ये। एप्पल वॉच में भी मैं भागा कूदा और दिखा रहा है 101 BPM हमारा मतलब, और इसके अंदर भी मेजर हो रहा है, देखते कितना आएगा। दिल की धड़कनें दौड़ रही है भाई, जिम के अंदर क्या ना, देखा 385 आ गई, 385 है। ये कामयाब वॉच नहीं है ना तो स्क्रीन से ना ही फीचर से। स्मार्ट वॉच ने तो हमारे अरमानों में पानी फेर दिया, नेक्स्ट प्रोडक्ट मंगा लेते हैं। तो ये क्या है चेक कर लेते हैं, पहले काट के देख लेते हैं डायरेक्ट क्या दिया है मसाला अंदर। ओ भाई पाउच दिया है, तो इसमें तो पैसे रखने का काम आएगा। ओ भाई ये तो स्मार्ट रिंग है, 4 थी 300 रुपए में, ये मेरे को वर्थ लगी। और भाई यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी भी देखो सही लग रही है इनकी, अभी पहन के देखते हैं टेम्परेचर देखती है नहीं देखती, ये ऐसी हवाबाजी चल रही है इनकी। और देखो यहाँ पर ना सेल्सियस लिखा है, तो यहाँ पर ये दिखाएगी कितना टेम्परेचर है अभी। ओ शो कर दिया 35 शो कर रहा है यहाँ पे, देखो 35 हाईलाइट हो गया। बाकी इसमें काफी सारे टेम्परेचर दिए हैं, जो भी आपकी बॉडी का टेम्परेचर होगा वो मेनली हाईलाइट हो जाता है। जैसे फिश पॉट के लिए आता है वो थर्मामीटर से चिपका दो वो बता देता है पानी का कितना तापमान है, ऐसे ही आपका तापमान बता देती है। सही लगी मेरे को तो, काफी सस्ती भी है भाई, मीशो से एक प्रोडक्ट तो सही लगा। और ये काम इसलिए भी कर रहा है, हमने अभी फ्रिज में रखा था 27 था, अभी निकालते 29 हो गया, और जैसे फिंगर में लगाओगे तो 35-36 दिखाएगा, जो भी आपका बॉडी का टेम्परेचर होगा। तो कामयाब चीज है भाई मीशो की ये। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, और ये आ गया हमारे पास हार्ड पैकिंग में आया भाई पहला प्रोडक्ट, और ये है 439 रुपीज का प्रोडक्ट। और एक चीज इन्होंने कैंसिल भी करी थी, जब आप ऑर्डर करते ना तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है, अगर आप वेब से ऑर्डर कर रहे हो तो आपको पता ही नहीं लगेगा आपने ऐड टू कार्ड क्या करा है, ये बोलेंगे आप अपनी मोबाइल एप्लीकेशन में देखो, तो जबरदस्ती आपसे मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कराई जाएगी, कुछ निकले ना निकले ये कार्ड पहले निकल जाते हैं, ऑर्डर कर लेना कुछ। अबे साले ये ईयरफोन्स मेरे को काफी यूनिक लगे थे इनकी साइट पर। इन ईयरफोन्स में वैसे तो काफी सारी चीजें दिखाई गई थी, जैसे कि इनमें भाई आपको टॉर्च मिलती है, यहाँ पर मीटर आएगा कि आपका राइट ईयरफोन लेफ्ट ईयरफोन कितने चार्ज हैं, इसकी टोटल बैटरी कितनी है। मैं देखना चाहता हूँ भाई बिल्ड क्वालिटी प्राइस के हिसाब से बताऊँ ना ठीक मिल रही है, और यहाँ पर आपको दिया भी गया है मीटर। एप्पल एयरपोर्ट की याद दिला दी इन्होंने मुझे। ओहो रखा कैसे जाएगा ये, ऐसे ये वाला ऐसे ना, ये एक, ओ भाई मीटर काम कर रहा है इसका, ये दूसरा वाला क्यों नहीं चल रहा, लेकिन चल गया। अरे ये तो बड़ी खतरनाक चीज है भाई, 385 रुपीज में बंद करके, ओ यहाँ से भी आप देख सकते हो बंद करके इसके लिड के ऊपर से। बाकी यहाँ पर टॉर्च भी है, ओ अंधेरे में अगर आप अपने ईयरफोन्स को कहीं गिरा चुके हो तो इसके केस से आप ढूंढ भी सकते हो। इसमें USB पोर्ट भी है जिससे आप अपने फोन को चार्ज कर सकते हो, मैं करके देखता हूँ टेस्ट भी हो जाएगा। ओ केबल भी तुरंत आ गई हमारे पास, केबल अंदर नहीं जा रही, कोई अलग केबल लगती है इसके लिए, तो काफी प्रेशर लगाने के बाद अंदर गया है, अभी चार्ज करके देखते हैं। ओ
चार्ज कर रहा भाई ये फोन को भी, ईयरफोन्स के साथ साथ अपने फोन को भी चार्ज कर सकते हो भाई, काफी सही चीज है। जैसे दिखाया था वैसी सारी चीजें मिल रही हैं अभी तक तो। साउंड और सुन लेते हैं अब कनेक्ट करके, जब तक मेरा फोन भी चार्ज होता रहेगा। वॉइस असिस्टेंट भी है बता रहा है कनेक्टेड। साउंड ऐसी है मतलब बेस खत्म है, बाकी लाउडनेस तो है। वो वाले ईयरफोन जो 30-30 वाले मिलते हैं ना मेट्रो साइड पे, वैसी सी साउंड है, बाकी फीचर से रिच है भाई। तो ये मतलब मैं इसे कहूंगा प्राइस पॉइंट के हिसाब से जो चीजें ऑफर कर रहा है उसके हिसाब से ठीक ठीक सी है। और नेक्स्ट प्रोडक्ट तो मंगाना बनता था क्योंकि ये है अभी तक के सबसे सस्ते एयरपोर्ट्स। डुप्लीकेट हमने 1500 रुपए के बाय करे थे, वैसे थे 245 रुपीज के लिए थे, लेकिन टैक्स वैक्स लगाने के बाद 340 रुपीज के हमें पड़े हैं। पैकेजिंग भी वैसी सस्ती मिली है इसकी, क्योंकि 1500 वालों की कम से कम ओरिजिनल तो लगती थी। ये तो भाई ऐसे क्लाउन की तरह आया सज धज के, पक्का मैंने वापस करने वाला, मुझे ऐसी भाई बारी है। डब्बे पर एयरपोर्ट छापने से एयरपोर्ट नहीं बन जाते भाई साहब। वो क्या बात है सर, क्या बात है सर। बहुत चीप पैकेजिंग और बहुत ही चीप प्रोडक्ट लग रहा है ये। ऐसा है जैसे कि मतलब वो जो एयरपोर्ट्स हमने मंगाए थे ना 1500 वाले, उनको फिर से रीपैक कराओ किसी सस्ती सी पैकेजिंग में। ये 1500 वाले हैं और ये भैया 300 रुपए वाले हैं। यहाँ पर एक तो देखो लैनियार्ड लूप नहीं दिया साइड में, नीचे की तरफ स्पीकर्स नहीं है क्योंकि फर्स्ट जनरेशन है, और इनके बिल्ड एक्चुअल में काफी ढीली है। ये तो काफी सही दिया है इन्होंने, लेकिन यहाँ पर एक तो लाइट ग्लो होनी चाहिए थी जब हम बंद करते हैं या ओपन करते हैं, तो वो भी नहीं हो रही है। और बैक बटन तो प्रॉपर दिया है, नीचे लाइटनिंग पोर्ट भी है। अभी इन्हें ना मैं सुनना चाहता हूँ, मेरे को लग रहा है पहले ओ ओ भाई लाइट जल रही है इनमें नीचे। यहाँ पर ये कॉपी नहीं कर पाए, और एक रंग की नहीं है यहाँ पर, अलग अलग रंग की है। मानो आप एयरपोर्ट्स लेके निकले इन्हें असली दिखाने के लिए चार दोस्तों के बीच में, और इनमें लाइट ग्लो कर जाए बीच में अचानक से, तो आपके दोस्त कहेंगे गजब तू भी आ जाते। अभी कनेक्ट करता हूँ, होते हैं नहीं देखते हैं वैसे इनका नाम क्या आएगा। कनेक्ट हो गए और पूरा कान हिला दिया इन्होंने मेरा। और यहाँ पर भी ना देखो ब्लूटूथ में भी ये एयरपोर्ट्स के नाम से ही आते हैं। देखिए एयरपोर्ट्स प्रो, ओहो एयरपोर्ट्स ओरिजिनल प्रो लिख लेते। ओ भाई टच भी चल दी है इनकी, और वो भी ठीक। और डबल टैप करके आप नेक्स्ट सॉन्ग भी प्ले कर सकते हो। प्राइस के हिसाब से जो फीचर्स मिल रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन बिल्ड और साउंड क्वालिटी काफी चीप है, साइड करते हैं और अलग ही फेक लग रहे हैं लाइट से। और नेक्स्ट एक पावर बैंक हमने मंगाया जो कि 3-in-1 पावर बैंक है, तो इसे टेस्ट करना तो बनता है। वैसे 700 रुपए के आसपास का था, यहाँ पर स्क्रीन पर आ रहा होगा, मेरे को काफी यूनिक लगा तो हमने ये उठा लिया। अभी यहाँ पर पैकेजिंग देख लो, ऐसा लग रहा है मिट्टी भर के दियो इसके अंदर। यहाँ पर तो मीटर वीटर बने आए भाई। ये मेरे को लगाता है काम करेंगे, ये तो फर्जी है, इन्होंने स्टिकर चिपका के दे दिया। इसे आप चिपका भी सकते हो, इसमें सक्शन कप है देखो, ये नीचे की तरफ दिया ऑक्टोपस वाले पैर इसके, तो कहीं ट्रैवल कर रहे हो ऐसे रख के ना मस्त कर सकते हो। बाकी इसके अंदर जो एक्स्ट्रा फीचर्स थे वो ये भी है कि इसके अंदर लाइट दी गई है ये वाली, तो इसे भी चला के देखते हैं। एक नहीं और ऊपर से दो लाइट है यहाँ पर। बाकी यहाँ पर मैं जिसके लिए ज्यादा एक्साइटेड हूँ वो है यहाँ पर, आपको 3 केबल्स दी गई है, एक से आप अपने आईफोन को चार्ज कर सकते हो। इम्तिहान की घड़ी, ओ चार्ज कर रहा भाई, चार्ज कर रहा है। एक से हम कर सकते हैं अपने टाइप सी फोन को चार्ज, दोनों को ही चार्ज कर रहा है मस्त। और एक टाइप बी केबल मिलती है इसकी, वैसे हमारे पास कुछ है नहीं से चार्ज करने के लिए, बट ये दोनों को अच्छे से चार्ज कर रहा है। अभी ये ना स्टीकर नहीं है, एक्चुअल ये काम करता है, जिसमें 100% होगी तो 100 तक ग्लो करेगा। अभी इसमें 75% है तो 75 ग्लो करेगा, जैसे जैसे नीचे गिरेगा ये भी भाई नीचे गिरती रहेगी इसकी लाइट। और ये 20,000 mAh का पावर बैंक है, ये तो मेरे को ठीक लग रहा है भाई। 700 रुपए में 3-3 केबल भी मिलती है, अब मेरे को केबल भी लेके घूमने की जरूरत नहीं है। और अब है हमारे पास एशियन के शूज, पेंट नहीं शूज प्रॉपर, और ये कलर चेंजिंग शूज हैं जो कि 700 रुपीज के आसपास हमें मिले हैं। वैसे कलर चेंजिंग शूज आजकल काफी ब्रांड बनाने लगे हैं, बस एशियन को हमने पहले से भी सुना हुआ है तो हमने मंगा लिया अपने साइज में। ओहो सहवाग भैया छपे हुए हैं डब्बे पे, डब्बे की हालत बहुत खराब है, स्मेल आ रही है बहुत गंदी इसमें से ना जो स्टिक करने के लिए ग्लू यूज करते ना उसकी स्मेल आ रही है काफी ज्यादा हार्ड। शूज की जो बिल्ड है ना वो भाई काफी सही है, अब मेरे को देखना है कलर कैसे चेंज करेंगे। और शूज की बात चली रही है तो हमने पहन लिया, और कम्फर्ट तो नहीं लग रहा भाई, यहाँ पे बहुत दर्द हो रहा है, ऐसे लग रहा है इसने पकड़ लिया हो, बट देखते हैं कलर चेंज करेंगे या नहीं। हार्श लाइट में आ गए हैं हम। ओ ओ भाई कितनी तेजी से कलर चेंज करा है, ये येलो हो गया, यहाँ पे पिंक है और ये ब्लू। चीज बढ़िया है बट थोड़ी फिटिंग और अच्छी होती तो रिकमेंड किए जा सकते थे। और जब मैं मीशो पे सर्च कर रहा था ना प्रोडक्ट, मुझे सबसे पहले एक पेन ड्राइव दिखी जो मेरे को HP की लगी, लेकिन वो NP था। मुझे चक्कर आने लग गया, मैं भी चकरा गया, तो हमने मंगा ली 64GB पेन ड्राइव, ये पड़ी थी हमें 200 something rupees की। अब मेरे को ये देखना है कि इतने सस्ते में पेन ड्राइव कैसे दे रहे हैं, और ये HP होगा या एक्चुअल में NP ही रहने वाला है। तो यहाँ पर तो ना HP ना NP, यहाँ पर अलग ही पैकेजिंग मिल रही है इसकी। ये भाई तुमने वो भेज दिए मेरे को। तो गलती से हमने बॉडीगार्ड लवली सिंह वाले ब्लूटूथ अनबॉक्स कर दिए हैं। वैसे हमने ये भी मंगाया था और उसके हिसाब से पैकेजिंग ठीक है, ये भी काफी सस्ते मिल गए थे हमें। बाकी भाई ने लगा गए मस्त, ऐसे कॉल वॉल पे घूम सकते हो तुम। मेरी तो फिटिंग भी नहीं आ रही कान में इसकी, पूरा बॉडीगार्ड वाली फील आ रही है, अभी ना कान में लगा के घूमूंगा पूरी जिम में।
अब कहानी में यहाँ पर एक और ट्विस्ट है। एक तो भाई हमने अनबॉक्स पहले गलत प्रोडक्ट कर दिया, दूसरा इसकी केबल नहीं लग रही इसमें और यहाँ पर चार्ज भी नहीं हो रहा और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी काफी कचरा है, तो क्या भेज दिया तुमने मेरे को भाई, बिल्कुल बेकार प्रोडक्ट है। तो फाइनली अब आ गई है पेन ड्राइव, जो कि गलती से हमने जिसके चक्कर में कुछ और खोल दिया था, और ये हमने 294 रुपीज की मंगाई है आफ्टर टैक्स। वैसे सस्ती थी पर इन्होंने भाई ऐसे डिलीवरी चार्ज वगैरह लगा दिया, क्योंकि पता ही ना मैं वापस करूंगा। और फिर से मैंने बताया जैसे कि एचपी की, ओ एचपी की भेजी है भाई इन्होंने, ओरिजिनल एचपी की पेन ड्राइव है और ये सस्ती इस वजह से मिली है क्योंकि ये यूएसबी 2.0 है, 3.0 नहीं है। 3.0 होती तो थोड़ा सा प्राइस बढ़ जाता, तो और सस्ती मिलनी चाहिए थी। अब 3.0 2.0 में स्पीड का डिफरेंस होता है, जब भी आप कॉपी पेस्ट करोगे किसी चीज को आपको काफी डिफरेंस नोट हो जाता है। बाकी देखते हैं काम कर रही है नहीं कर रही। वैसे यार महंगी दी है अब तो, मेरे को लग रहा है चूना लगा दिया मीशो वालों ने, तो काम कर रही है, कामयाब चीज है। पूरी ड्राइव खाली है, देखो मैंने लगाया हुआ है ये, बट दिक्कत ये है कि ये यूएसबी 3.0 होनी चाहिए थी, इसे बिल्कुल भी बाय मत करना। एनपी की जगह एचपी भेजा, अच्छा लगा, लेकिन इन्होंने यहाँ पर लोचा कर दिया। अब हमने एक हेडसेट मंगाए जो कि 100 रुपीज के मिले हैं सिर्फ हमें, और ये भाई वो है ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स, नहीं है वायरलेस ईयरफोन्स है, जो कि गले में डाल के घूमते हैं लोग, बट इतने सस्ते मैं पहली बार ट्राई करने वाला हूँ। तो हमने उठा लिए मीशो से, तो अब इम्तिहान की घड़ी है। ओ, सारा सामान निकल गया भाई, देखना इनके ईयरबड्स भी लगा के नहीं दिए इन्होंने, और एक्स्ट्रा सिलिकॉन ईयर टिप भी नहीं दी, एक ही दी है। वाह, 100 रुपए में इतना ही मिलेगा। बाकी यहाँ पर जो बिल्ड क्वालिटी है वो एक्चुअल में काफी चीप है। और लग गया पहला लगा ईयरबड लगा लिया, मैं इंजीनियर बन गया। तो हम नेक बैंड को डाल लेते हैं गले में, और चीप सी तो फील आ रही है। यहाँ पर इसके पावर ऑन ऑफ बटन दिया है, वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हो इसी से, और काफी लाइट वेट है ये। अब ये ऑन कहाँ से होंगे, शायद बीच वाले बटन को होल्ड करके रहना पड़ेगा। हाँ हो गए ऑन, कनेक्ट तो कर लिए हैं ये हमने। अब साउंड सुनते हैं और इसमें से आवाज भी आती है जब कनेक्ट करते हो। कनेक्टेड 100 रुपए में, ये उम्मीद नहीं थी। इसमें क्या है ना, वॉल्यूम कम ज्यादा तो नहीं कर सकते, जैसे आप वॉल्यूम अप करने वाला बटन दबाओगे तो नेक्स्ट सॉन्ग प्ले हो जाएगा। पहले से प्ले कर लेते हैं, मिड वाले से प्ले होता है, वॉल्यूम कम ज्यादा तो नहीं हो रही, नेक्स्ट सॉन्ग और प्रीवियस सॉन्ग बज रहा है। और कमाल की बात तो ये है कि इनकी साउंड भाई 100 रुपए के हिसाब से मेरे को काफी इंप्रेसिव लगी, लेकिन जो बिल्ड है और जो बटन की फंक्शनिंग है वो कतई बेकार है, ये भी बात ध्यान में रखना। अब हम पहाड़ी परिंदा है, तो हमने स्पीकर मंगाया विद माइक। हमने देखा था इमेज में बड़ा लग रहा था, पर हाथ में आया तो नाम बड़े दर्शन छोटे वाली चीज हो गई है, माइक निकल जाए बस। मैं हूँ जियान बनने वाला हूँ। फिर यही चीज मंगाई थी बिल्कुल हमने, जो यहाँ पर दिख रही है, बिल्कुल भी वेट नहीं है इसमें, बिल्कुल लाइट वेट चीज है, प्लास्टिक है पूरी और काफी हल्का है। बट प्राइस के हिसाब से मैं कहूँगा जितनी सारी इन्होंने चीज दी हैं उसके हिसाब से जो बिल्ड है वो कहीं ना कहीं ठीक ठीक सी है। ऐसे मैं बिल्कुल अच्छी भी नहीं बोलूंगा, बिल्कुल बेकार भी नहीं बोलूंगा। और कैरियोके, अगर आपको गाने का काफी ज्यादा शौक है तो आप इसको कनेक्ट करके बजा सकते हैं, हम भी बजाते हैं। The Bluetooth device is ready to pair. इसको तो पावर देने की भी जरूरत नहीं है, कमाल की चीज है भाई, कनेक्ट कहाँ से होगा भी। ये बिल्कुल ऐसे साउंड कर रहा है जैसे मेले की स्पीकर, चीज कमाल की है भाई। बंद करो हाथ जोड़ के मैं। तो बोलो भाई, जितना इसे हमने टेस्ट कराया, मजेदार चीज है मजे लेने के लिए, लेकिन इसमें आवाज गूंजती है, एको बनती है। बट प्राइस के हिसाब से आप एंटरटेनमेंट के लिए अगर ढूंढ रहे हो माइक के साथ कैरियोके पे गाने के लिए, तो आप इसे देख सकते हो, मैं इसे रिकमेंड कर सकता हूँ फॉर फन। तो मीशो की अभी ना हमने एक ट्रिक पकड़ी है, लगभग हर एक प्रोडक्ट के साथ ना आपको ऐसे कूपन मिल जाएंगे जिस पे लिखा है आप रेट करके स्क्रीनशॉट इन्हें व्हाट्सएप पर डालिए, फिर आपको एक कैशबैक देंगे अप टू 500 रुपीज का। मतलब प्रोडक्ट में बाय कर रहा हूँ 200 रुपए का, आप मेरे को कैशबैक दोगे 500 रुपए तक का, तो यहाँ पर ये रेटिंग भी करा लेते हैं और आपको कुछ देंगे भी नहीं, जिससे इनकी जो वेबसाइट है वो भी रैंक कर जाएगी। तो इन चीजों में मत फंसो। वैसे देखा जाए तो प्रोडक्ट कुछ इनके ठीक भी हैं प्राइस के हिसाब से, लेकिन ज्यादातर प्रोडक्ट कचरा ही हैं। तो यहाँ पर आप पर डिपेंड करेगा टोटली कि आप उस अच्छे प्रोडक्ट को ढूंढ सकते हो या नहीं। तो आप बताना दोस्तों कि आपको कैसी लगी ये वीडियो, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसी तरीके के प्यार भरे रंग में हम लाने वाले हैं आप लोगों के लिए, तो माता रानी के आशीर्वाद के साथ हम आपसे विदाई लेना पसंद करेंगे।